नून एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को और ट्यूटर्स को मिलाता है। दोस्तों हमने ऐसे बहुत ही प्लेटफॉर्म देखे है जहाँ पे ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होते हैं। एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नून एकेडमी। अब इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ये नून एकेडमी प्लेटफॉर्म क्या है, हाउ मच वी कैन अर्न, हम इससे कितना अर्निंग करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप एंड तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस अलग है इसका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें हमें स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्लेटफॉर्म क्या है, तो देखिए दोस्तों एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि अभी तक सिर्फ 8 ही देशों में ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, लेकिन इनकी अभी आने वाले कुछ इयर्स में इनका प्लेटफॉर्म और भी एक्सप्लोर होने वाला है, यानी कि अभी जो भी कंट्रीज यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है वहां भी अभी एक्सप्लोर करने की सोच रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें इससे खूब सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज इससे मिलने वाली है। तो अभी प्लेटफॉर्म छोटा है तभी आप इसमें हम रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे तो हमारे फ्यूचर में इन फ्यूचर इससे हमारे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो इस पे आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें स्टूडेंट्स ला के देता है और स्टूडेंट्स को ट्यूटर ला के देता है और इससे हमारी अर्निंग होती है। यहाँ पे हमको 1-to-1 इंटरेक्शन करना होता है और जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछेंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें आते हैं, वहां पे हमें सिंपल उनका आंसर दे देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अर्निंग की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी अर्निंग कितनी होगी, जो भी हमारी अर्निंग होगी वो हमें पर आवर के हिसाब से यहाँ पे मिलेगी, यानी कि पर आवर को आपको 200 से 500 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका एक क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है कि आपको एक महीने में आपको 30 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करने, यानी कि एक दिन का सिर्फ 1 घंटा आपको यहाँ पे स्पेंड करना है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे से आप ज्यादा भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी। और एक क्राइटेरिया है अपनी अर्निंग की, अब आपके 1 घंटे के लेक्चर में कितने स्टूडेंट्स वहां पे एक्टिव है, कितने स्टूडेंट्स वहां पे लर्न कर रहे हैं, इसके हिसाब से भी ये कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सैलरी के उनके 2 क्राइटेरिया है, आप कितना घंटे वहां पे स्पेंड करते हो और उस 1 घंटे में, यानी कि जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उस टाइम में आपके पास कितने बच्चे एट ए टाइम लर्न कर रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी वहां पे मिल जाएगी। घबराएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। अब अगर आप सोचेंगे मेरे पास बहुत ही बच्चे कम है, तो वैसा नहीं, कम से कम यहाँ पे जो ट्यूटर्स है वो कम से कम बताते हैं कि हम 20 से 25 हजार यहाँ से मंथली कमाते। इट इज नॉट ए बैड इनकम, ओके, इट इज अ वेरी गुड सोर्स, ओके। सो प्लीज ट्राई हियर एंड स्टार्ट योर टीचिंग करियर, ओके। नाउ अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए तो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए बेल आइकन में भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका भी कोई फ्रेंड ऐसे कुछ वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहता है तो उनके साथ भी ये मेरा चैनल का उसको सजेस्ट कीजिए और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको लिंक प्रोवाइड किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा नून एकेडमी का। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाके सिंपल क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, एक तो दिखेगा टीचर का और दूसरा दिखेगा स्टूडेंट्स का। हमें टीचर्स यानी कि बच्चों को सिखाना है, इसलिए हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे। जब हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन होके आएगा। जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज आएगी, यहाँ पे देखिए इंडिया, पाकिस्तान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, इजिप्ट एंड सऊदी अरबिया, यानी कि इस 8 देशों में ये जो नून एकेडमी काम अभी कर रही है। अभी इनका ये भी प्रयास चालू की ये ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे, मतलब
इसका नेटवर्क बनाया जाए इसके प्रयास में अभी है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ये ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसका काम शुरू कर देगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्पैम रजिस्टर कैसे करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, साइन अप फॉर फ्री, यानी कि और इधर भी आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी करूंगा साइन अप फॉर फ्री। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, हेलो टीचर्स वेलकम टू नून एकेडमी। तो हमें यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर पुटअप कर देना है। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पुटअप कर देता हूँ। और जब हम SMS पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, तो OTP हमें यहाँ पे पुटअप कर देना है। ठीक है, चलिए मुझे OTP आ चुका है। और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम मेल या फिर फीमेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फुल नेम रखना है अपना और ईमेल आईडी, और यहाँ पे सिंपल हमको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो किया जाएगा, एड योर स्कूल टू लेट स्टूडेंट्स फाइंड यू, यानी कि हमारा जो स्कूल है यानी कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारी बच्चों को दिख जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखिए सिटी नेम, ठीक है, अब सिटी नेम आपको यहाँ से रैंडमली आपको चूज करना। अब देखिये मैं पुणे से हूँ तो मैंने यहाँ पे पुणे टाइप किया, तो मैं पुणे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज, अब मैं यहां पे मैन्युअली सर्च कर देता हूं। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब मैंने यहां पे ऐड किया। अब मैं यहां पे सिंपल अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूं। जब हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहां पे देखिए प्लानर पे क्लिक कर देना है, आपको प्लानर यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब प्लानर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन डैश आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार स्क्वेयर्स है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो वांट टू स्टार्ट टीचिंग स्टार्ट क्रिएटिंग ग्रुप, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने ग्रुप्स क्रिएट करने होंगे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट ग्रुप्स पे जाऊंगा। अब यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे सिलेक्ट योर टारगेटेड स्टूडेंट। अब टारगेट स्टूडेंट्स कौन से, स्कूल स्टूडेंट्स है या फिर यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको 12th ग्रेड तक सिखाना है या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सिखाना है। मैं इनिशियली यहाँ पे स्टूडेंट्स अप टू ग्रेड 12 सिलेक्ट कर देता हूँ। अब कोर्स टाइप, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट सिखाना चाहते हैं, कोई स्कूल के सब्जेक्ट सिखाना चाहते हैं या फिर कोई स्टेट एग्जाम के प्रिपरेशन होते वो सिखाना चाहते हैं या फिर कोई स्किल, इसके मतलब एजुकेशन के अलावा जो भी स्किल होते हैं वो सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं अभी स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब किस ग्रेड को सिखाना चाहते हैं, मैं अभी 12th ग्रेड को सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब बात आती है सब्जेक्ट की, मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मैं अभी केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्यूरिकुलम में अभी CBSE या फिर महाराष्ट्र, यानी कि जो भी है वो मैं यहाँ पे अभी CBSE पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप दोनों भी लेना चाहते हैं दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब टाइटल, यानी कि आप कौन सा चैप्टर लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चैप्टर लेना चाहता हूँ, देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मैं ये चैप्टर यहाँ पे ले देता हूँ। अब इस चैप्टर में आप क्या सिखाना चाहते हैं, यानी कि उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपके जानकारी के लिए कुछ तो लिख देता हूं,
कि जो कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब टाइप ऑफ ग्रुप, यानी कि आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं तो आप मतलब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिलता है, ठीक है, क्लोज्ड ग्रुप है ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट ए ग्रुप पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा ग्रुप क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए मेंबर्स, अब यू हैवंट इनवाइटेड एनी मेंबर्स येट, यानी कि आपको किसी मेंबर्स को, किसी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है तो आपको क्या करना है, कॉपी ग्रुप यूआरएल, यानी कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूआरएल है वो कॉपी हो जाएगा। अब जिस किसी स्टूडेंट्स को आप भेजना चाहते हैं उस स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं और वो आपके मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप स्टेटस, अभी 20% कम्प्लीशन है, योर नेक्स्ट टास्क। अब यहाँ में अपना एक प्रोमो वीडियो, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर में कैसे आएंगे इसके लिए हमारे एक प्रोमो यानी कि एक डेमो वीडियो अपलोड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अपलोड वीडियो का, तो आप सिंपल यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यूरिकुलम, यू हैवंट फिल इन योर क्यूरिकुलम, यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं फिलअप करना चाहता हूँ। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी मिसलेनियस यानी कि अदर कुछ एक्टिविटीज है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपकमिंग एक्टिविटीज, यू हैवंट फिल्ड योर क्यूरिकुलम एट सो देर आर नो शेड्यूल एक्टिविटीज। अभी हमने यहाँ पे कोई भी मतलब क्यूरिकुलम ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज आप हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री क्लास 12 यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट ट्रायल लेसन पे हम क्लिक करेंगे तो सेशन के लिए आपको सेशन टाइटल डालना है, चैप्टर का नेम डालना है, सेशन एजेंडा डालना है और टाइम यहाँ पे डालना है। जब हम टाइम पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सेव सेशन पे कर दीजिए, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन पे भी सेम आएगा और असाइनमेंट, अगर आपको स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देनी है तो आप असाइनमेंट का टाइटल डाल दीजिए और चैप्टर का नेम डाल दीजिए और जो भी असाइनमेंट है यहाँ पे सेव असाइनमेंट सेव कीजिए, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों को मतलब जो भी आप सिखाएंगे वो बच्चे क्या करेंगे, जो भी हमारे जो क्वेश्चन है सॉरी बच्चों के क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है सी ऑल क्वेश्चंस, अभी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेगा तो आपको उसके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये प्लेटफॉर्म काम करता है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आपको उनको मेल करना है, मेल आईडी आपको ऊपर प्रोवाइड किया होगा तो आपका रिजल्ट वो आपको भेज देंगे सिलेक्शन का या फिर रिजेक्शन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो